कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र के एफ ब्लॉक इलाके में आरुषि किराए का मकान लेकर वहीं पर पढ़ाई किया करती थी। पिछले 3 दिनों से आरुषि अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जिसके चलते मकान मालिक सत्यनारायण शर्मा आरुषि के कमरे के तरफ गए तो उन्हें कमरे के अंदर से दुर्गंध आई और उन्हें अनहोनी की आशंका हुई, जिसके चलते उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा, तब अंदर प्रवेश किया तो देखा कि जमीन पर आरुषि का शव पड़ा है। आरुषि का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम बुलाई तो वहीं ACP नौबस्ता मंजीत सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक व पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर अगले में कार्यवाही की जाएगी। युवती पिछले कई सालों से कानपुर में सत्यनारायण शर्मा के मकान में रह रही थी और प्रथम दृष्टि यह सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। आज थाना गुजैनी को 112 से के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मकान मालिक द्वारा सूचना दिया गया है कि एक लड़की जो अकेली किराए पे मेरे मकान में रहती थी, एक कमरा लेकर के, उस कमरे से काफ़ी गंध आ रहा है। इस सूचना पर SO गुजैनी तथा मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, फील्ड यूनिट मौके पर आ गई है, मृतका के परिजन भी मौके पर आ गए हैं। उनके व फील्ड यूनिट की देख रेख में वीडियोग्राफी कराते हुए कमरे का दरवाज़ा, जो दोनों दरवाजे बंद थे, उसमें से एक दरवाजे को खोला गया वीडियोग्राफी कराते हुए, तो अंदर देखा गया तो पाया गया कि दुपट्टे का आधा हिस्सा पंखे में लटका हुआ है और तो आधा हिस्सा इसके मृतका के गले में है। पंचनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। पंचनामा की कार्रवाई के पश्चात PM हेतु भेजा जा रहा है। जो भी PM रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य से जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।